अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक चीज़ आती है। सिर्फ वह चैप्टर नंबर 2 है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है, इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आज सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने के अलावा इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस करने हैं ये वाली चीज़ों का बात करेंगे। सबसे पहले बात ये चीज़ याद रखिए, केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड होता क्या है। सबसे पहली बात एक सिंपल सी, ये बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड होता है किसी चीज़ को जोड़ने वाली शय। मसलन मैंने दो चीज़ें ली हैं यहाँ पे, मैंने एक बॉल ये ले ली है और एक बॉल ये ले लिया। अब यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी इल्फी लगा के इन दोनों को आपस में इस तरह इकट्ठा कर दूँ ना, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे जोड़ने वाली चीज़ कौन सी है, इल्फी है। कौन सी चीज़ है, इल्फी दो बालों को आपस में जोड़ रही है और इल्फी यहाँ पे हमारे पास एज अ बॉन्ड का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, बॉन्ड। अब बॉन्ड हमेशा दो चीज़ों को आपस में जोड़े रखेगा। सेम इसी तरह मैंने यहाँ वर्ड लिखा है केमिकल बॉन्ड, मतलब एटम्स के दरमियान में जो चीज़ जोड़े रखती है उसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देंगे। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखे, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखे उसको केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। चलें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इस तरह कहेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कशिश की वो फोर्स है विच होल्ड जो के पकड़े रखती है, होल्ड टू एटम्स, दो एटम्स को आपस में जकड़े रखती है, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। इसको हम केमिकल बॉन्डिंग का नाम दे रहे थे। ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो एटम्स को आपस में जोड़ रखे। मतलब मैं कहता हूँ जी मेरे पास दो हाइड्रोजन के एटम हैं ये वाले, अब इन दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगा किस तरह। अब इनके दरमियान में होता है जी म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। स्टेबलाइज करने के लिए दोनों के दोनों एटम आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों के दोनों एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा और ये जो बॉन्ड होगा इसको हम नाम देते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब याद रखिएगा ये वो जहाँ मैंने कहा था ना इल्फी क्या काम करती है, दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इल्फी वाला काम ही कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दो एटम को जोड़ के रखे हुए हैं। सही, बाइंड टू एटम्स ये दो एटम्स को जोड़ के रखता है। कौन सी चीज़, इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये है कि ये दो एटम, दो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह एटम को जोड़ के रख सकते हैं। हालांकि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। ये फिर किस तरह दो एटम्स को जोड़ के रख सकते हैं, स्पिन ऑपोजिट होती है। क्या होती है, इन दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी। अब देखें एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह मूव कर रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह मूव करेगा। ऑपोजिट स्पिन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट पैदा होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट पैदा होगी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और बॉन्ड बन जाता है। सही, इस तरह हमारे पास बॉन्ड बन रहा होता है। और इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा दो एटम्स को जोड़ने का जो काम कर रहे होते हैं वो कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे सारी की सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करनी है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं जी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कितनी है। टाइप्स, सिर्फ टाइप्स का नाम लिखेंगे कितनी किस्में हैं केमिकल बॉन्ड की। सबसे पहले जो किस्म है हमारे पास वह है आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहली किस्म कौन सी है, आयोनिक बॉन्ड। और याद रखिएगा आयोनिक बॉन्ड बनता किस वजह से, सिंपल सी बात बताऊंगा। आयोनिक बॉन्ड बनेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आयनिक बॉन्ड बन रहा होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड नंबर पर कौन सी चीज़ आ जाती है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड याद रखिएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा होता है।
किस वजह से बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से बन रहा होता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो टाइप वो है मेटालिक बॉन्ड। क्या है? मेटालिक बॉन्ड। अब दो मेटल एटम के दरमियान में जब बॉन्ड बनता है ना, उसको हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या होगा? बिटवीन टू मेटल एटम, बिटवीन टू मेटल एटम, टू मेटल एटम्स, ये हमेशा दो मेटल एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगा। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वाले जो टाइप है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये भी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी असल में कोवलेंट बॉन्ड की ही किस्म है। देखिए मैंने लास्ट में लिखा जी कोऑर्डिनेट, आगे लिख दिया कोवलेंट बॉन्ड, मतलब है कोवलेंट बॉन्ड ही, लेकिन यहाँ पे क्या होती है कोऑर्डिनेशन हो जाती है, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देता है। सही, इन विच इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये क्या कहता है, इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम, ओनली वन एटम, बस। ले जी हमारे पास है जी केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स।